ओके, सबसे पहले एक ऐसा सेटिंग जो कि आपको अभी के अभी ऑफ कर लेनी चाहिए। इसको आप ऑन रखते हो, इसी के वजह से आपका हेडशॉट नहीं लगता है, आपका फोन लैग करता है, फोन गर्म हो जाता है एंड इसीलिए तो आप गेम हार जाते हो। इसको ऑफ करने के लिए आपको अपना प्रोफाइल पे जाना है, नीचे आपको रिप्ले ऑप्शन दिखेगा। अगर आपका फोन का स्टोरेज 120 GB से ऊपर एंड रैम 8 GB से ऊपर नहीं है तो आंख बंद करो एंड रिप्ले ऑप्शन को ऑफ करो एंड इतना करके देखो आपका आधे से ज्यादा लैग प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। एंड इसी तरीके से आज मैं आपको फ्री फायर का कुछ ऐसे प्रो सेटिंग बताऊंगा जिससे आपका हेडशॉट भी अच्छे से लगेगा, आप हैकर के जैसा मूवमेंट भी कर पाओगे एंड आपका फोन गर्म होने से बचेगा, जिसके वजह से गेम खेलने के टाइम आप अच्छे से हेडशॉट मार पाओगे। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज कर लो, क्योंकि इस चैनल में ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियोस रेगुलर मिलता है। एंड अगर आप मुझे पसंद करते हो देन यार 23K लाइक एम कंप्लीट कर दो। ओके, हमारा सबसे पहला सेटिंग जो है वो आपका कस्टम HUD को बिगड़ने से बचा सकता है। अगर गलती से फॉर एनी रीजन आपका कस्टम HUD बिगड़ जाता है एंड उसके बाद तो आपको पता होगा अगर कस्टम HUD खराब हो जाता है देन आप प्रो से नूब बन जाते हो एंड उसके बाद एक्यूरेटली हर एक बटन को पुरानी जगह में रखना इम्पॉसिबल होता है। बट टेंशन मत लो, ये सेटिंग को ऑन करने के बाद आप जितना मर्जी कस्टम HUD को खराब कर लो, एक ही बटन को दबाने से वो फिर से सही हो जाएगा बिल्कुल पुराने के जैसा। आपको बेसिक सेटिंग के अंदर सेटिंग सिंक का ऑप्शन मिलेगा, आपको क्या करना है एक बार अपलोड पर क्लिक करना है एंड इसके बाद अगर आपका कस्टम HUD खराब होता है तो यहाँ आकर ध्यान से डाउनलोड पर क्लिक करो एंड आपका पुराना सेटिंग वापस आ जाएगा। एंड उसके बाद आता है हमारा एम प्रिसाइजन का सेटिंग। इसको अगर आप सही से समझ लेते हो तो आपसे प्रो कोई नहीं। यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, डिफॉल्ट, प्रिसाइजन स्कोप एंड फुल कंट्रोल। सबसे पहले अगर आप इस ऑप्शन को फुल कंट्रोल रखोगे देन आपका एम के ऊपर आपका फुल कंट्रोल रहेगा। इसका मतलब आपका एम बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ना ही आपका ड्रैग हेडशॉट लगेगा ना ही वन टैप हेडशॉट। जैसे स्नाइपर चलाने के टाइम आपको एनिमी के ऊपर एम रखकर मारना पड़ता है, वैसे ही आपको सभी गन चलाना पड़ेगा। देन आता है डिफॉल्ट एंड सच बताऊं इसके वजह से ही अभी तक बंदे फ्री फायर खेलते हैं एंड फ्री फायर के 90% यूट्यूबर जिंदा है। यही डिफॉल्ट ऑप्शन के वजह से ही हमारा वन टैप हेडशॉट लगता है, ड्रैग हेडशॉट लगता है। बेसिकली डिफॉल्ट सेटिंग रखने से हमारा एम एनिमी पर चिपकता है एंड इसी वजह से हम लोग जुगाड़ करके चिपकता हुआ एम को एनिमी के हेड पर ले जाते हैं फायर बटन को खींच के एंड तभी जाकर हमारा हेडशॉट लगता है। अगर डिफॉल्ट सेटिंग फ्री फायर ने हटा दिया तो सारे बंदे गेम खेलना छोड़ देंगे। एंड देन आता है प्रिसाइजन स्कोप, जो कि आधा डिफॉल्ट है एंड आधा फुल कंट्रोल है। ये डिफॉल्ट के जैसा तब भी काम करता है जब भी आप बिना स्कोप ऑन किए मारते हो एंड स्कोप ऑन करके मारोगे तो आपका एम एनिमी पर लॉक ही नहीं होगा फुल कंट्रोल के जैसा। तो मेरा मानो तो अपना एम प्रिसाइजन को डिफॉल्ट पर ही रहने दो। एंड नेक्स्ट आता है ये दो सेटिंग, क्विक वेपन स्विच एंड क्विक रिलोड स्विच। पहले तो क्विक रिलोड स्विच को ऑफ ही रखो क्योंकि इसका कोई काम ही नहीं है, बेकार में स्क्रीन को फुल मत करो। इसको ऑन करने से स्क्रीन पर ऐसा ऑप्शन दिखेगा जिसको दबाने से गन रिलोड होता है, बट आप सिंपल गन पर क्लिक करके ये चीज कर सकते हो। एंड बात करें क्विक वेपन स्विच की, ये सेटिंग आपके लिए बेस्ट हो सकता है अगर, आई रिपीट, अगर आप 3 फिंगर प्लेयर हो या फिर 4 फिंगर में खेलते हो, उससे आपका मूवमेंट स्पीड थोड़ा बढ़ जाता है, नहीं तो आप मेरे जैसा ऑफ भी रख सकते हो। ओके, हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है आप उसको गलती से गलत सेट करते हो। एंड उसको आपको सही करना है एंड वो सेटिंग है रन मोड। इसको आपको हमेशा क्लासिक पर रखना है, ना ही आपको ड्रैग रखना है ना ही आपको मिक्स्ड रखना है। अगर आप रन मोड को क्लासिक नहीं रखते हो देन रन करने के लिए आपको अपना एनालॉग बटन को ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा एंड यहाँ पर नुकसान ये है कि अगर आप कभी एनिमी को मारने के लिए नूब वॉक करोगे तो भी ऑटोमेटिक आपका कैरेक्टर भाग जाएगा एंड आप मर जाओगे। सो रन मोड को हमेशा क्लासिक रखो। एंड इसके बाद आता है व्हीकल कंट्रोल, या आपका डिफॉल्ट में 200 रहता है एंड गलती से भी इसको आपको 100 नहीं करना है, नहीं तो गाड़ी चलाने के टाइम सल्लू भाई बन जाओगे, क्योंकि गाड़ी आपको सिर्फ एनालॉग बटन के मदद से चलाना पड़ेगा एंड ये चीज बहुत ज्यादा मुश्किल है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है यू नो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड वो है विजुअल इफेक्ट। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन देखने को मिलता है, क्लासिक, डार्क एंड नो ब्लड। एंड इनको चेंज करने से ही हेडशॉट लगाने पर जो एनिमेशन आता है वो भी अलग अलग आता है। सबसे पहले क्लासिक की बात करें, अगर आप विजुअल इफेक्ट को क्लासिक रखोगे तो आप एनिमी को मारने के टाइम रेड कलर का ब्लड दिखेगा मतलब ब्लड का कलर रेड ही होता है। मतलब आप एनिमी को मारोगे तो उसका खून निकलेगा एंड विजुअल इफेक्ट को डार्क रखोगे तो ब्लैक कलर का खून निकलेगा। एंड आपको ये दोनों ऑप्शन नहीं रखना है क्योंकि मर्डर के केस में आप जेल जा सकते हो। अरे मजाक कर रहा हूँ यार। विजुअल इफेक्ट को क्लासिक या फिर डार्क रखने से अगर आप सेफ जोन के बाहर होंगे तो आपके स्क्रीन के ऊपर ऐसे रेड एंड ब्लैक कलर का छींटे नजर आएंगे, जिसके वजह से एनिमी अगर आपको सेफ जोन के बाहर मारेगा तो आपको पता नहीं लग पाएगा एनिमी कहां से मार रहा है। तो इसीलिए विजुअल इफेक्ट को नो ब्लड रखो। ओके, क्या आपके साथ कभी ये चीज हुआ है, आपके सामने से
आपका दोस्त या फिर एनिमी जल्दी जल्दी से गन वगैरह लूट कर लेता है एंड आपका लूट बंटी के सावन की तरह स्लो रहता है एंड आपको कुछ लूट मिलता ही नहीं है। अरे तो टेंशन काहे ले रहे हो, हमारे फ्री फायर के अंदर एक ऐसा सेटिंग है उसको ऑन कर लो एंड उसके बाद तुमसे ज्यादा जल्दी कोई लूट ही नहीं कर पाएगा। आपको जाना है ऑटो पिकअप की सेटिंग पर एंड बिल्कुल नीचे लास्ट में आपको दिखेगा ऑटो पिकअप स्पीड एंड आपको उसको डिफॉल्ट से फास्ट कर लेना है एंड उसके बाद भरो अपना बैग जितना भरना है। ओके, हमारा नेक्स्ट सेटिंग जो है वो फ्री फायर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेटिंग में आता है। इसको अगर गलत सेट करोगे तो बाद में पछताने का कोई फायदा ही नहीं होगा एंड वो सेटिंग है ग्राफिक्स सेटिंग। बहुत सारे बंदों को मैंने देखा है उनका फोन लैग करता है, हैंग होता है, फिर भी वो लोग हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर खेलते हैं। क्यों भाई लोग? अगर किसी चीज के ऊपर उसके कैपेसिटी से ज्यादा प्रेशर पड़ेगा वो उसको झेल नहीं पाएगा ना। तो इसी तरह अगर आपके पास अच्छा फोन नहीं है, यहाँ पे अच्छा का मतलब है गेमिंग फोन नहीं है अगर आपके पास, तो अगर आप यार हाई ग्राफिक्स सेटिंग पर खेलोगे तो आपका फोन झेल नहीं पाएगा एंड आप लैग की वजह से सही से खेल नहीं पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा अगर आपका फोन लैग होता है या तो आप स्टैंडर्ड ग्राफिक्स में खेलो या फिर स्मूथ ग्राफिक्स में खेलो, कभी भी अल्ट्रा या फिर मैक्स पे मत खेलो एंड जिनका डिवाइस अच्छा है वो लोग अल्ट्रा या फिर मैक्स में जा सकते हो। एंड इसी सेटिंग के नीचे आपको और एक सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा जो कि है गन शॉट अलर्ट का ऑप्शन, आपको उसको ऑन रखना है। इससे क्या होता है, एनिमी आपको जिस साइड से मारता है उसी साइड पर एक गोली का सिंबल दिखेगा, उससे आपको पता लग पाएगा कि एनिमी कहां से मार रहा है। सही है। ओके, जब हम लोग सेटिंग की बात करते हैं साउंड सेटिंग की बात कोई नहीं करता, बट ये भी एक इंपॉर्टेंट सेटिंग है। आपको हमेशा साउंड इफेक्ट को फुल यानी 100 पर रखना है, उससे आपको फायदा ये मिलेगा एनिमी का फुटस्टेप आपको अच्छे से सुनाई देगा जिससे आप पता लगा पाओगे एनिमी आपके आसपास कहां है एंड उसको आसानी से मार पाओगे। एंड लास्ट में आता है मैक्स सेटिंग, जो बंदे फ्री फायर मैक्स खेलते हो उनको ये ऑप्शन दिखेगा। अगेन बता रहा हूं, अगर आपका लो एंड का डिवाइस है एंड बहुत ज्यादा लैग होता है, ये मैक्स का जो भी सेटिंग है उनको हमेशा ऑफ रखो, ये आपका बैटरी भी ज्यादा खर्च करता है एंड अगर आपका लो एंड का डिवाइस है तो इसको ऑन रखने से आपका फोन हैंग और लैग भी होता है एंड अगर आपके पास अच्छा फोन है देन आप उसको ऑन भी रख सकते हो। तो यार ये थे वो सेटिंग जो कि एक प्रो प्लेयर को ऑन या फिर ऑफ करनी चाहिए। अगर आप इसी तरह और एक वीडियो देखना चाहते हो देन लेफ्ट वाली वीडियो को देख लो एंड अगर आप मेरे साथ खेलना चाहते हो देन राइट साइड का वीडियो पर क्लिक करके हमारा लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वहां पे रोज लाइव होता है, तो कर लो यार।